अब बारी हमारी क्रिकेट डायरी की, जिसमें शामिल है लंदन में T20 ग्लोबल लीग का हुआ लॉन्च। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने T20 ग्लोबल लीग को लंदन में लॉन्च किया है। लॉन्च के मौके पर बोर्ड ने सभी 8 टीमों के मार्की प्लेयर और टीम के मालिकों को पेश किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने वेंकी मैसूर के साथ मिलकर लीग में केप टाउन की टीम खरीदी है। केप टाउन के कप्तान जेपी ड्यूमिनी होंगे। ड्यूमिनी ने ट्वीट कर टीम के बारे में फैंस को जानकारी दी। वहीं किंग खान ने भी एक वीडियो संदेश में फैंस से टीम को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन T20 ग्लोबल लीग में खेलने को लेकर उत्साहित हैं। पीटरसन ने कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें दुनिया की अलग अलग T20 लीग्स में खेलने का मौका मिल रहा है और अब भी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इंग्लैंड टीम से दरकिनार किए गए पीटरसन ने ये भी कहा कि उनके T20 लीग में खेलने की वजह से इंग्लिश टीम के बाकी खिलाड़ियों के लीग में खेलने का रास्ता खुल गया है।